तो गाइस यह है मैप जिसे हम कहते हैं वन चंक, पर ये नॉर्मल चंक नहीं है। इसके अंदर दो पेड़ हैं, हे बैल है और एक छोटा सा झरना भी है और एक रुइन पोर्टल भी है। विलेजर्स तो जरूर ही हैं, और सिर्फ यही चीजें नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें हैं जैसे कि एक एंड पोर्टल रूम, कुछ रेयर चेस्ट भी हैं गाइस, और कुछ सीक्रेट बेस भी हैं गाइस इनके अंदर। इसके अंदर कुछ स्पोनर्स भी हैं और खजाना भी छुपा हुआ है गाइस इसके अंदर। तो ये चंक मैं अकेला नहीं खेलूंगा, इस चंक में है मेरे साथ मेरा भाई जिसका नाम है अर्नव। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करे तो चलिए हम आ गए हैं हमारे वर्ल्ड में। सबसे पहले पेड़ काटते हैं, मेरे पास 7 वुड आ गया, उनका क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ यहाँ, और फटाफट सिर्फ स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ गाइस। मैं फटाफट माइन करता हूँ यहाँ पे, फटाफट कोबलस्टोन माइन करता हूँ गाइस। मैं सुनो ये ही बैल तोड़ ले, पहले इसकी ब्रेड बना लेंगे। तो गाइस इस रूइन पोर्टल को मैं दिखाना भूल गया, इसके पीछे चेस्ट है गाइस, मैं इसको खोलता हूँ। इसके अंदर एक सोर्ड मिली है, सोर्ड ले लेते हैं गाइस, एक काम है कि हमारे गोल्डन एप्पल मिले गाइस, ऑब्सीडियन मिले गाइस, थोड़े फ्लिंट एंड स्टील और जूते मिले गाइस, जिसको मैं अभी फिलहाल डाल लेता हूँ। ये गाइस चेस्ट बहुत बढ़िया मिले। तो गाइस फिलहाल रात हो रही है गाइस, हमारे विलेजर्स भी हैं गाइस इधर अंदर। तो गाइस हमें बेड की ज़्यादा ज़रूरत है विलेजर से ज़्यादा, क्योंकि गाइस हमें कोई भी मोब आके यहाँ मार सकता है गाइस अभी। तो गाइस अब अंदर चलते हैं गाइस और इनकी जगह सो जाते हैं। मैं इधर सो गया, तू भी सो जाना। तो गाइस हम दोनों रात को भी सो गए, अब उठते हैं जाते हैं फिर। मैं थोड़े स्टोन के टूल्स अपग्रेड कर लेता हूँ, आयरन भी माइन कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि आयरन के बिना भाई गाइस हमारा काम नहीं बनेगा। गाइस मुझे यहाँ से 7 आयरन तो मिल गए हैं गाइस, मेरे को 7 आयरन तो मिल गए हैं घर की जूते। तो गाइस मैं फटाफट और माइनिंग करता हूँ, इस आयरन भी कलेक्ट कर लिए हैं, और ये मौसम बड़ा ही खतरनाक हो रहा है गाइस, मेरी ब्रेड नहीं बना सकता। तो गाइस मैंने फर्नेस बना लिया है, और गाइस मैं इसके अंदर मेरी स्मेल्ट करने रख देता हूँ गाइस ये आयरन। अभी फिलहाल तो गाइस हमें वुड ही लगानी पड़ेगी यहाँ। मैं इधर और एक्सप्लोर करता हूँ गाइस, और यहाँ पे गाइस एक चेस्ट पड़ा है और आयरन तोड़ा है। तो गाइस पहले मैं आयरन तोड़ता हूँ गाइस, फिर मैं चेस्ट में चेक करता हूँ कि क्या चीज़ है। तो गाइस ये चेस्ट है, पहले मैं इसके नीचे देख लेता हूँ आगे पीछे की TNT तो नहीं लगे गाइस, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेस्ट ऐसे जिसके जो ट्रैप चेस्ट है गाइस। तो बोलते हैं इसके अंदर हमें मिला है वाटर बकेट, स्टोन। अच्छा ये मतलब गाइस इसका ये मतलब है कि गाइस हम यहाँ पे हमारा अनलिमिटेड कोबलस्टोन फार्म बना सकते हैं। यहाँ पे लावा, यहाँ पे हम पानी डालते हैं, अब ये ब्लॉक तोड़ते हैं गाइस, हमारा कोबलस्टोन फार्म बन गया है। तो प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया मेरा गाइस, मैं इसको कवर कर देता हूँ गाइस, ताकि ये नीचे ना कूद जाए जानवर जितने। तो गाइस यहाँ पे एक बार हमने टेम्परेरी कर दिया है, और मैं गजल रहा हूँ यहाँ पे, और गाइस अब इनको यहाँ पे नीचे गिर देते हैं, गिरते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कूद जाए। ये सारी शीप्स आ गए गाइस, गाइस हमारी आधी टेंशन ख़त्म है गाइस, वो शीप भी गाइस यहाँ पे आ गई और बैठ गई है गाइस। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हमारे वर्ल्ड को। तो एक्सप्लोर करने से पहले इसमें थोड़े टूल्स अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि इस आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है गाइस, इसके अंदर बहुत सारे स्पोनर्स वगैरह भी हैं। गाइस मैं पिकैक्स भी बना लेता हूँ गाइस, जस्ट कि गाइस हमें कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल गई हैं। तो गाइस अब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ये कूदो नीचे। यहाँ पे एक केव है, इस केव के अंदर जाता हूँ गाइस, देखता हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। आयरन लगे हुए गाइस यहाँ पे, एक थोड़ा कोल भी है, कोल माइन कर लेते हैं। तेरे पास स्टोन की पिकैक्स है, तो ऊपर चेस्ट में पड़ी है, लेके का माइन कर ले भाई यहाँ पे। ठीक है मैं अभी देखता हूँ मेरी 3। अच्छा उधर क्या है ये, जस्ट नीचे फटाफट उधर जाता हूँ। तो मैं स्ट्रॉन्ग होल के रूम में आ गया हूँ, यहाँ पे स्पोनर लगा हुआ है। किस चीज़ का स्पोनर है? एंडरमैन का है। इसके अंदर आइस भी लगी है गाइस, इसके अंदर है एक चेस्ट, फटाफट गाइस मैं चेस्ट खोलता हूँ, देखता हूँ गाइस इसके अंदर क्या मिलता है। ओ भाई आयरन, डायमंड लेगिंग और डायमंड की तलवार, और इसके अंदर क्या है भाई? फॉर्चून गाइस, फॉर्चून मिल गया मुझको, फॉर्चून इतनी बढ़िया चीज़ मिल गई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े हेड लगे हुए हैं ज़ोंबी के, इसके पास जाता हूँ देखता हूँ गाइस क्या है यहाँ पे इनका हेड। ये चेस्ट है, इसके अंदर ये क्या है? ये तो फैंस, ये जो चीज़ें वगैरह हैं। तो गाइस ये सामान तो बहुत बढ़िया मिल गया मेरे को इस चेस्ट में से, इससे गाइस हम अपना हमारे घर वगैरह बना सकते हैं। और गाइस मैं हेड ले लेता हूँ गाइस, ये केयरफुली से इनके थोड़े, और गाइस अभी हम मैं चलो गाइस हम फटाफट पानी वाले रास्ते से गाइस अब ऊपर चलते हैं फटाफट, हम प्रो लोगों की तरह जाएंगे, हम नूब नहीं है। ओ ये क्या सीक्रेट बेस गाइस, गाइस यहाँ पे सीक्रेट बेस मिले, इसके अंदर देखते क्या है चेस्ट, और नीचे भाई चेस्ट को मारो होली, पहले ये सारा सामान उठाओ गाइस, सीक्रेट बेस, सीक्रेट बेस देख रखे गाइस इन्होंने। ये चेस्ट देख लूँ गाइस, इसके पीछे ट्रैप चेस्ट ना हो गाइस ये। अब इस चेस्ट को खोलें,
खोलो वो क्रीपर का हेड, डायमंड के ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक। भाई बहुत बढ़िया चीजें मिल गई अपा दोनों को। ऊपर आते हैं हम, अपना ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, बहुत वुड है गाइस हमारे पास, बहुत मजे आते हैं। लेगिंग पैन कैसी, इतनी बढ़िया बढ़िया। पहले दिन मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, मैं फट दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, 27 डायमंड, 64 आयरन। पेड़ उगे मेरे सामने, पेड़ उगा भाई अभी अभी, ब्लॉक तो लिया ही नहीं अपन इसका। मैं ऊपर आ गए और फटाफट गाइस मैं ब्लॉक तोड़ लेता हूँ गोल्ड के। आज तो गाइस पैसा ही पैसा है हमारे पास। इसका भी थोड़ा वो बना देते हैं इंगट, एक एनविल बनाते हैं। पहले मैं मेरा आर्मर बना लेता हूँ डायमंड का। ये हमारी लेगिंग्स, ओ भाई लेगिंग्स तो थी यार। ले भाई तू रख ले, तू रख ले लेगिंग्स, तो पुरानी वाली दूंगा। तो गाइस ये मेरा फुल आर्मर, अरे तो देख रहे हो पूरा डायमंड का आर्मर है, नकली नहीं है, नकली। ये डायमंड रखे और ये पिकैक्स निकल गई हमारी। तो गाइस इसको देखो और मेरे को देखो, बताओ कौन ज़्यादा प्रो है, कमेंट में भर दो गाइस, बताओ कौन ज़्यादा प्रो है, कौन किसके पास ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मेरे पास डायमंड की पिकैक्स और तलवार दोनों हैं। कितने टेस्टी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कितने सुंदर लग रहे हैं। जब मैं इसके घर में आया गाइस, मैंने इसका चेस्ट तो देखा ही नहीं गाइस। इसके चेस्ट के अंदर ब्रेड है, सैपलिंग है, बेकार सी लूट है, इतनी बढ़िया लूट भी नहीं है गाइस। कुछ करने को बताओ ना, क्या करूं भाई, इतने बढ़िया आइलैंड है हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, ये तलवार लेते हैं और ये बंदा एक मारो 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 मारो, लड़ाई नहीं करते गाइस। ये मेरा भाई है एक तरह से। तो गाइस एक आयरन भी फटाफट बना लेते हैं गाइस, सॉरी आयरन नहीं, एनविल बना लेते हैं गाइस। और ये मेरा है प्यारा प्यारा एनविल, इसको यहाँ रखो। और इसके अंदर मैं मेरी डायमंड की पिकैक्स में फॉर्चून लगाऊंगा। कहाँ गई मेरी बुक, ये है मेरी फॉर्चून की बुक। फॉर्चेजर देख, ये बुक सही है। तो विलेजर देख रहे अभी क्या देखता है कैसी है, तू पकड़ा भाई तेरे को क्या पता। सॉरी भाई आई एम सो एक्साइटेड। थंडर थंडर देखी मैंने, थंडर। अब मैं फॉर्चून लगाता हूँ फटाफट मेरी पिकैक्स में, ये गई ये और ये फॉर्चून। अब 6 लेवल चाहिए यार, मेरे पास इतना है ही नहीं। यहाँ से गाइस मैं थोड़ा एक्सपेंड करने लग जाता हूँ गाइस ट्री फार्म के लिए। हमारे ट्री घर में बाद में बनाऊंगा, पहले पेड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तभी तो हमारा घर हो पाएगा गाइस, है ना। सही बात है ना, पॉइंट पकड़े ना। अब परेशान मत करने के लिए यहाँ से अपना काम कर और मुझे ट्री फार्म बनाने दे। अरे वहाँ पे भी चेस्ट है, देखा ट्री पेड़ों के लिए काम करने पर पुण्य मिलता है। वो देख, वो रहा एक चेस्ट, वो रहा सामने दिख रहा है। डाउन करता हूँ मैं उस चेस्ट के बारे में, देखता हूँ क्या है। ये रहा चेस्ट, ये ब्लॉक तोड़ो और देखते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या होगा गाइस। तो चलिए खोलते हैं। ज़ॉम्बी के हेड, ये किसका एग है, काओ का हैग भाई। आयरन का हो स्पॉनर मिल गया भाई, मैं इसको काओ स्पॉनर बनाए भाई, क्या बनाया, क्योंकि भाई मैं काओ स्पॉनर ही बनाएंगे गाइस यहाँ पे। लक की बात होती है, लक की, और लक है मेरे पास। आई होप यू गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस।